बच्चों, आज का हमारा जो संधि का टॉपिक है वो है गुण संधि। गुण संधि में सबसे पहले हमको इस गुण शब्द की परिभाषा जानना आवश्यक है। तो गुण की परिभाषा देखिए, आप सामने लिखा हुआ है अदेंग गुण। अदेंग गुण का मतलब है अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत एंग च, अब इसमें अत का क्या मतलब है? अत का मतलब केवल ह्रस्व अकार है, क्योंकि अगर ता किसी शब्द की, जैसे किसी भी वर्ण के बाद अगर ता लगा हुआ है तो वो वर्ण केवल अपना ही बोधक होगा। ऐसे अगर हम आ बोलें, जैसे कि आपको जब माहेश्वर सूत्र हमने बताया, तो पहला जो माहेश्वर सूत्र में जो पहला सूत्र था वह था अयुड़। जब आप अयुड़ बोलते हैं तो उसमें अ से आपको ह्रस्व अकार और दीर्घ अकार दोनों का बोध होता है। लेकिन जो अत लिखा है, इसका मतलब कि इस अवर्ण से अगर हमने ता आगे लगा लिया तो अब ये जो अत है ये केवल ह्रस्व आ का बोध कराएगा, यानी इसमें अब दीर्घ आ नहीं है। तो ह्रस्व आ, इसका जो अनुवाद हुआ वो ह्रस्व आ हुआ। और एंग का मतलब होगा ए और ओ, तो ये एंग के अंतर्गत दो ही आएंगे आपके वर्ण ए और ओ। तो ए अत और एंग, यानी कि ह्रस्व अ ए और ओ, इन तीन वर्णों की गुण संज्ञा होती है, यानी इन्हीं तीन वर्णों को हम गुण कहते हैं, गुण संज्ञा इनकी होती है। अब सूत्र देखिए, जो आपका गुण संधि का सूत्र है, तो परिभाषा होगी कि गुण किसे कहते हैं। तो हम जैसे कोई अगर प्रश्न है कि गुण क्या है, तो आपका है कि ह्रस्व अकार ए और ओ गुण है। तो अब इसका सूत्र क्या है? आद गुण, इस सूत्र का तात्पर्य हुआ अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो। परिभाषा को फिर से ध्यान से देखिए, अवर्ण से, अवर्ण का मतलब यहाँ पर ह्रस्व आ है, अवर्ण से अच परे होने पर, अच का मतलब आप जानते हैं स्वर, स्वर परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व और पर हमने आपको बताया पूर्व का मतलब पहले और पर का मतलब होता है बाद में। तो पहले वाले वर्ण और बाद वाले वर्ण, जो दोनों वर्ण बताते ना संधि के लिए, जो संहिता है, संहिता यानी वर्णों का परस्पर सामीप्य, दो वर्णों का पास पास आना आवश्यक है। तो जब वो दो वर्ण पास आएंगे तो एक पहला होगा और एक बाद वाला बाद पर होगा। तो पूर्व और पर इन दोनों के स्थान पर, यानी पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों हट जाएंगे और उनके स्थान पर एक गुण आदेश होगा। जैसे आप इसको उदाहरण से समझेंगे, उपधन इंद्र, ये एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए आप, उ के पास जो पा है, पा के बाद वाला अ, ये आपका अत है, यानी कि ह्रस्व अकार है। और उसके आगे आपका आया है ई, इंद्र का ई आपका स्वर है जो कि अच है, अच परे रहने पर। तो अवर्ण से अच, अवर्ण से अच परे होना, ये जो शर्त है ये पूरी होती है यहाँ पर। ये अवर्ण है और इससे ई यानी कि अच परे है। तो अब आगे क्या होगा? पूर्व और पर के स्थान पर, तो पूर्व वर्ण है हमारा अच, अरे सॉरी अत, यानी कि ह्रस्व अकार, ये हमारा पूर्व वर्ण है और पर वर्ण है हमारा ह्रस्व इकार। तो इस पूर्व और पर के स्थान पर, यानी अ और ई के स्थान पर एक गुण का आदेश होगा। अब गुण आपके तीन हैं, अ ए और ओ, तो इनमें से किसका आदेश होगा यहाँ पर, अ का, ए का या ओ का, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर फिर हमको वही याद रखना है, स्थाने अंतर तमा, ये परिभाषा ये आपको बताती है कि जब आपको ऐसा निश्चय करना हो तो आप क्या देखेंगे, आप उच्चारण स्थान देखेंगे। जो अपने उच्चारण स्थान के जो निकट हो, जो जो वर्ण, उसी को हम उसके स्थान पर रखेंगे। तो अब आप देखिए, अ का उच्चारण स्थान आप जानते हैं अकुह विसर्जन या नाम कंठ, इससे आपको याद होगा कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है और इचु यशा नाम तालु कहता है कि ई का उच्चारण स्थान
तालु है। तो आ कंठ और ई जो पूर्व वर्ण है वो कंठ स्थानीय है और पर वर्ण आपका यहाँ पर तालु स्थानीय है। तो अब इन दोनों को हट जाना है और इनकी जगह पर जब एक गुण जो आदेश होगा वो ऐसा कोई वर्ण हो जिसमें कंठ और तालु ये दोनों से समानता हो, तो ऐसा वर्ण आपको दिख रहा है ए। ए क्यों? क्योंकि ए कंठ तालव्य ध्वनि है, उसमें उसको जो है उसका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है, इसलिए यही आपके यहाँ पर होने के लिए सबसे उपयुक्त है। अ ए और ओ में से यहाँ पर ए ही होगा। ये चीज क्लियर हो गई। और अब देखिए इसको हम तोड़ करके उनके बाद का, अब ये देखिए आप आ और ई दोनों हट गया और एक गुण, ये जो ए है वो गुण है, एक गुण आदेश हो गया और आगे का आधा और जरा लिखा हुआ है, ये सब जोड़ा जाएगा सारे वर्णों को, तो आपका जो शब्द है वो बनेगा उपेंद्र। इसी तरह से नेक्स्ट इसका जो दूसरा उदाहरण है वो देख लीजिए, सूर्य धन उदय, आपका जो बहुत ही प्रचलित शब्द सूर्योदय आप सब जानते हैं, उसमें इसी संधि का प्रयोग हुआ है और इसका वर्ण विच्छेद करने पर आप देख रहे हैं सूर या और उसके बाद अ। अ के आगे है आपका ह्रस्व उकार, अ कंठ स्थानीय ध्वनि है, ओष्ठ स्थानीय। अब कंठ और ओष्ठ इन दोनों के सदृश जो गुण होगा वही यहाँ पर इसके स्थान पर रखा जाएगा, तो वो ऐसा वर्ण ओ है, क्योंकि ओ जो है वो कंठोष्ठ ध्वनि है, इसलिए आ और ऊ के स्थान पर ओ हो गया। और फिर ये जब वर्णों को हम सारे वर्णों को फिर से जोड़ेंगे तो हमारा शब्द जो बनेगा वो होगा सूर्योदय। इसका अच्छे से अब आप अभ्यास करिएगा। और गुण संधि में हमको अभी जो ई का ऊ का और ये इसमें और भी चीजें हैं, उसमें ह्रस्व जो री है, री का और री का, उसके लिए जो नियम है वो आपको हम अभी